जो अभी क्या बता रहे थे मूंछों की, कम नाप रहे हो तुम मूंछों वाली तो बताओ, मूंछों को कम नाप रहे हो। थोड़े टाइम पास होगा, दूसरे लोग पकड़ने पड़ेंगे, हम आपस में कर करके बोर हो गए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, आगे चलो। क्या जाऊं तो जाऊं कहां? अरे कहां रख दूं इस सिर को कि कहां बैठ जाऊं कि जा कंफर्ट हो जाए? बोलो, समझ में नहीं आ रहा। देखो बिस्कुट में हवा भर गई यार, ये क्या है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। एक चैलेंज है कि सर को ऐसे जबरदस्त 4-5 बार हिला दो। किसका? कोई भी। फाइनली पहुंच चुके हैं 15,280 फीट की ऊंचाई पे। मैप में दिखा तो भाई, आप थोड़ा जिगजैग चलेंगे उसकी बात सही है। हमारे ड्राइवर काफी थक चुके हैं, तुम्हारे जो सचिन जी हैं उनको कह रहे हैं कि आप चला लीजिए गाड़ी। नहीं नहीं, हमने चलाई गाड़ी चलाएंगे। क्यों नहीं चला रहे आप? क्या बात है? मैं उनको जेब से पकड़ती हूं, बिल पे चला जा अंदर। नहीं नहीं दे रहे। ये सर थोड़ा शीशा साफ कर लो ना, वाइपर मार के। टांग लांगला आएगा 64 किलोमीटर। कहाँ गए हम? पेंग हम पांग आ चुके हैं गाइस, और अभी भी लद्दाख 175 किलोमीटर बाकी है। लेकिन हमारे भाई साहब का जज्बा है कि आज पहुंचा गए मानेंगे। हाँ जी, क्या ख्याल है? नहीं आया, गया था वहाँ से जो रास्ता निकल रहा था, मैं बताया था तेरे को, वो सिंकुला। हाँ वहाँ से गया था, वो सिंकुला पास से। आज पूछा दोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। खान लिया आपने जो अभी क्या बता रहे थे मूंछों की? कम नाप रहे हो तुम मूंछों वाली तो बताओ, मूंछों को कम नाप रहे हो? आज देखते हैं आज कौन बोलता है। गाड़ी रोक के यहीं लगा लेते हैं क्या? भाई साहब का कहना है आज मूंछों पे बात आ गई, पहुंचा के ही मानूंगा। तो गाइस शानदार रोड आ चुकी है, एकदम समतल पठार आ चुका है, और 120 जो रास्ता है एकदम सीधा है। उसके बाद आएगा लेह लद्दाख। पंगचुंगलुंग कौन सा हो? पंगचुंगलुंग। पानी पीना पड़ेगा खेच के, और ये खीरे साथ साथ फुट बर्फ जम रही है। ये लो पानी की बोतल। तो जी सर तो दर्द मेरा भी कर रहा है 10 फुट, लेकिन क्या है जाके लेटूंगा ही बस। 10 फुट ऊंची बर्फ आ गई है, जहाँ जहाँ ये पानी भरा है बर्फ का पिघल के पूरा। ये यूट्यूबर हैं, थोड़ा रुक इनसे बातें करते हैं। थोड़े टाइम पास होगा, दूसरे लोग पकड़ने पड़ेंगे, हम आपस में कर करके बोर हो गए। पानी की बोतल पिलाओ ना यार, सही है यार, ज्यादा हो गए सर सोने वक्त। ओहो देखो ये ब्लैक स्नो है, ये नीचे से घूम बोल रहे हो। चलो राम रे, ये वेगा ब्लैक स्नो है ये। वीडियो बना रहा क्या अपना? तो क्या है भाई मजा रहा? अरे चलो अब तो बस चलो चलो चलो, 4:45 हो गए, अभी काटना है 6:30 के बीच तक। गाइस ये देखिए होनहार लद्दाख के ट्रेवलर रोड
रोड पे लेट गए हैं क्योंकि थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। कह रहे कि मैं सोता सोता ही थक रहा हूँ। और ये यहाँ का व्यू है, बीच में गाड़ी रोकी है। विश यू ए सेफ एंड हैप्पी जर्नी का यहाँ पर क्या बोर्ड लगा हुआ है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं। और जो हमारे ये देखो अभी देखो सबकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि ये समझ रहे हैं कि बस कि वोमिटिंग हो नहीं रही, चक्कर आ रहे हैं लेकिन सांस नहीं आ रहा, कैसे चैन पड़े। तो ये इस तरीके से भाई नींद को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये गाड़ी में ऐसे लेट गए हैं। और भाई ये मैं हूँ जो कि एकदम गुड कंडीशन में हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा? कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। लद्दाख अभी यहाँ से 90 किलोमीटर बचा है ले, और 90 किलोमीटर बाद हम स्टे लेने वाले हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का है नज़ारा। क्या हुआ सर? नहीं हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं, आगे चल। क्या जाऊं तो जाऊं कहाँ? अरे कहाँ रख दूं इस सिर को कि कहाँ बैठ जाऊं कि जा कंफर्ट हो जाए। बोले समझ में नहीं आ रहा। बोलो कहाँ रख दूं इस सर को, शरीर को? बोलो मेरे को बेहोश कर दो। अरे भाई रे, बाहर जाऊं तो ठंड लग रही है, अंदर मुझे अपने बेड की याद आ रही है। जो मेरा बेड है वही नींद आएगी मेरे को। अरे बारे रे, अरे भी नहीं सर। अब दो दिन का रेस्ट चाहिए भाई साहब। रोको रे इनको, रोको। भाई ये सिचुएशन हो रही है यहाँ पर, कह रहे हैं कि हमें बेहोश कर दो, ऐसे टैबलेट दे दो कि हमें सुकून मिल जाए। और इनको सुकून नहीं मिलेगा। कैसे सोऊं मैं? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं चला यार, खाना खाते हैं, भूख लग रही है जबरदस्त। थप्पड़ मारो पांच सात। आपका क्या लोग आप सुन कैसे हो रखे हो? सुन कैसे हो? कोई सुन नहीं हो रखा तो सुन तो हो रखा। दिखाना है, यहाँ क्यों पसंद मारो मेरे को? क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों पसंद रखे हो आप? क्या होगा भाई साहब? सर क्यों पकड़ लिया आपने? सर दुख रहा है जबरदस्त तरीके से। दो पैरासीटामोल के पत्ते ले लिए, कोई असर नहीं कर रहा। रुकवाओ रुकवाओ। देखो बिस्कुट में ही हवा भर गई यार, ये क्या है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। देखो सर, देखो बिस्किट पैकेट में हवा भर गई फुल। भाई ये क्या हुआ? देख तो अपने पेट में भी जाओ यार। इतना गुस्सा आ रहा है, देखो खोलो खोलो। नमकीन लार, थोड़ी नमकीन लार। नमकीन फमकीन कोई उल्टा सीधा सीधी सांग खाना बनेगा। चलो चलो भाई चलो। बोलो सर खान कहाँ बनेगा खाना? खाना तो 8 घंटे लगेंगे अभी। कौन बोल रहा है यार? 100 किलोमीटर सारे कौन सा घंटे हो? मैं भाई साहब रहेंगे आगे। 72 होते नंबर हो रही है। क्या क्या चैलेंज है? एक चैलेंज है कि सर को ऐसे जबरदस्त 4 से 5 बार हिला दो। किसका? कोई भी अपना हिला सकता है, आप हिलाओ। नहीं भाई मेरी मत नहीं है। भाई साहब को हिलवा दे, अगर पकड़ के ला दो भाई साहब को, गिर ना जाए तो बता देना। और गाड़ी चला के आगे भी जाना है। वो कहाँ गया? अजय रे, अरे अंदर रख लेने। चलो भाई चल जा बैठ। समतल रोड आ गया भाई, लेकिन वो पीने वाला नहीं है जो वहां मिल रहा था। अपन वहाँ पे नहीं था पीने का यार, वो तो अपन पी रहे हैं जबरदस्त है। उसको जैसे गर्म किया ना तो वो मिट्टी के कण आ रहे थे उसमें। लद्दाख अब दूर नहीं, कम से कम 5 किलोमीटर और है, उसके बाद रम से
एक जगह आएगी उससे 80 किलोमीटर दूर ले है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सुरक्षा पेटी बांध के रखें और एक चीज और बांध के रख लो आप, क्योंकि बदबू आ रही है। और रम से आ चुका है, 3 किलोमीटर और है। ये क्या रम से? नहीं है? अभी 3 किलोमीटर और है। ये तो आर्मी का लग रहा मुझे। पूरा आ गया इधर। प्रोजेक्ट हम से 111 रोड कंस्ट्रक्शन। सामने जो पहाड़ है ना वो अपन उस तरफ से है, तो उसको आप इस तरफ आ गए, समझ रहे? वही पहाड़ है ये? नहीं चेंज हो गया साहब, आप जब सो रहे थे ना। अच्छा, तो हमने कम से कम 70-75 किलोमीटर उड़ा दिया। उड़ा ही दिया? हाँ, तो कोई बात नहीं, हम अब आगे ना तुम्हारा अलर्ट मोड में। और कई लोग तो तब से सोए ही पड़े। रम से आ गया है, रम से में होम स्टे भी है, वोंगोमो होम स्टे। ये देखिए एम्बुलेंस भी यहीं पर है, रम से रुमत से, अच्छा इसका ये नाम है। मैंने तो टी साइलेंट कर रखा था, इन्होंने तो टी गा दिया। चलो बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पोजीशन ही नहीं है यहाँ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उधर, हरियाली। और ये भाई लोग क्यों बैठे हैं? तो फिलहाल ले में देखना पड़ेगा, परमिशन देंगे। समोसा देंगे सासोमा, सासोमा 2 किलोमीटर दूर है सर। अभी तो ले में देखना पड़ेगा, कर लेंगे सर। अपना चलते हैं, अभी ग्रीनरी अब जाके आइए। ग्रीनरी की तो खत्म ही हो गई थी एक तरीके से, अब जाके ग्रीनरी को देखिए। स्लो स्कूल अहेड, वो आगे भी नाले कुदा रहे हैं फॉर्चुनर से उतर के। देखिए नाले किस तरीके से कुदा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप, वो कूद रहे नाले। हमारे एक बंदे ने भी नाले कुदाए हैं अभी। बुरी हाल, चंडीगढ़ वालों का बुरा हाल हो रहा है। हमें आसोमा गांव आ चुका है, और ये बुद्धिस्ट का है ये शायद, है ना कुछ टेम्पल। अब क्या के कुछ ग्रीनरी आई, ब्रेक करें। और ये हमारा जो गाड़ी का कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, ये बार बार इसका क्या लॉक टूट गए, अब इसको सेट करना पड़ रहा है। झटकों से ये निकल जाता है। सुमा के आगे एक और ग्रीनरी है, और बड़ा गांव सा दिख रहा है। इस गांव का कोई नाम तो पता नहीं चल रहा। जी भी ये कहां को ये आया? गवा। ये है वेलकम टू विलेज गया। क्या जी भाई है? अभी चलो थोड़ा अच्छा लग रहा है। गया ओके, गया 13,901 फीट एल्टीट्यूड। मतलब गांव तो आने लग गए यार, कम से कम वैसे परेशान हो रहे थे।
41, अरे वही है चक्कर घूम घूम के, मेरे को भी हुआ था 71 किलोमीटर। ले और ये ब्यूटीफुल नजारा यहाँ का। पीछे दो बंदों की तबीयत खराब हो चुकी है, अब नियर बाई हॉस्पिटल हम ढूंढने में हो, हॉस्पिटल नहीं हम नियर बाई कोई क्लिनिक या मेडिकल की जो भी फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करवा दे वही ढूंढ रहे हैं हम। देखते आगे एक और विलेज आएगा तो वहाँ पर देखते हैं कुछ मिलेगा। सर स्पीड पहाड़ों का कलर बदल गया इधर, वो रेड ग्रे हो गया। लद्दाख की ये गाड़ियाँ इधर ड्राइव इन योर लेन। अब जाके कुछ ग्रीनरी भी दिखी यार, सोना सोना सूखा सूखा बर्फ। लद्दाख की जो धरती है पथरीली है। अच्छा सही है, देखो पहुंच रहे हैं अपन जल्द से जल्द। गाड़ी आ रही है सामने से, गाड़ी आई की चेक पोस्ट आ गई है। जाओ साहब चेक करो, जाओ क्या चेक करो इनको, जाओ जो मांग रहे हैं डिटेल जाओ। ये उपसी के और यहाँ पर एंट्री करानी पड़ती है गाड़ी का नंबर और नाम। सर निकल यहाँ पर अच्छा ये ओके ठीक है, अभी मैं देता हूँ कैश। ये पर्ची कटी है यहाँ पर लेह लद्दाख में एंट्री के लिए 100 रुपये की। तो ये कोविड चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या वो जो मैसेज था वो दिखाना पड़ेगा सेकंड डोज का, तो फिर इसके बाद ही आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी। जैकेट पहन लेते भाई।